हे गाइस दिस इज सीएस सीएम आज तो स्लडा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल सो गाइस ये वीडियो क्या है आप लोगों को पता दूं मैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ में आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं कि हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर हम लोग देखने वाले हैं जो सीएमए का न्यू सिलेबस जो है 2022 जी हां जिसका नाम लॉन्च हो चुका है सीएमए सिलेबस 2022 उसके बारे में क्या उसका फ्यूचर है वो कब आने वाला है उससे क्या आस्पेक्ट्स ओपन होंगे और मुझे क्या लगता है कि इसके साथ इंस्टीट्यूट क्या क्या नए फेर बदल कर सकता है फिर एंड में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो सी एम सिलेबस टू है उसके स्टूडेंट्स जो कि अगर ऑलरेडी टू में एनरोल्ड हैं तो उन लोगों के साथ क्या होगा जब सीएमए का सिलेबस 2022 पर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा बिफोर दैट हम इसको आगे मूव करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों मेरा नाम है सीए लाटा आई सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक फर्स्ट इन सी एम ए फाइनल एंड मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के सीएमए इंटर के कोस्ट अकाउंटिंग जो कि सीएमए इंटर ग्रुप वन में है कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर एट सीएमए इंटर ग्रुप टू के अंदर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पेपर नंबर टेन एंड सीएमए फाइनल के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग जो कि है पेपर नंबर फिफ्टीन आता है सीएमए फाइनल के ग्रुप नंबर थ्री में और अब अगर इनकी अगर आप लोगों क्लासेस लेने की है आपको नीड तो आप लोग उसके जाकर के डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं फीडबैक्स देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल कौन सा है उसका लिंक नीचे दिया जा रहा है और उसके लिए आपको क्या करना होगा कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पर नाइन एंड आप विजिट भी कर सकते हैं पूरी पूरी डिटेल्स के लिए डब्ल्यू एल पी ए जो कि हमारे इनिशियल है लाटा प्रोफेशनल अकेडमी के तो एल पी ए सी ए सी एम ए डॉट कॉम यह हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा और दोस्तों मैं आपको बता दूं हम लोग चल रहे हैं एक कॉन्सेप्ट पर जो है ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल फैकल्टीज ऑफ सी एम एक्सक्लूसिव जी हाँ, हमारे पोर्टल पे आप लोगों को सभी ऑल दो काफी क्योंकि काफी सारे टीचर्स फैकल्टीज अवेलेबल हैं कुछ की लिस्टिंग अभी होना बाकी है बट डोंट वरी आप लोगों को जो भी फैकल्टीज की क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे वो हमारे पोर्टल पर अभी आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा सबसे जो है एसोसिएशन हो चुका है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो अभी उसका लिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है तो आप लोग उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर फटाफट से देखेंगे तो दोस्तों अभी जो है सेप्टेंबर टू जी हाँ दैट मीन्स करंट मंथ की जो जर्नल आई उस जर्नल के अंदर इंस्टीट्यूट ने इन्फॉर्म किया कि दैट फाइनली आफ्टर मैनी डेलीब्रेशन बहुत सारा डिस्कशन चाहे वो अकेडमिक्स के एक्सपर्ट थे चाहे फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट थे चाहे वो कहीं के भी पूरे हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ डेलीब्रेशन डिटेल्ड में डिस्कशन के बाद नया सिलेबस जो है जो कि न्यू सिलेबस है वो आपका फाइनलाइज्ड हो चुका है जिसका ब्लूप्रिंट जो है कि किस तरह का रहने वाला है क्या रहेगा वो सारा मैं उम्मीद करता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आपको कमिंग मंथ के अंदर उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं बात करते हैं कि इसको इफेक्टिव कब से किया जाएगा तो दोस्तों ये इफेक्टिव होगा जून टू एग्जामिनेशन अटेम्प्ट से दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो आज से तीन अटैम्प्ट चार अटैम्प्ट क्योंकि अभी अक्टूबर का भी एग्जाम होना है तो अक्टूबर दिसंबर नेक्स्ट जून एंड नेक्स्ट दिसंबर चार अटैम्प्ट के बाद जो पांचवा पांचोंटेंप्ट रहेगा उस अटैंप्ट से ये इफेक्टिव होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज रहेंगे तो सब्जेक्ट एरियाज जो है न्यू सब्जेक्ट एरियाज जो इंस्टीट्यूट ने एड किया वो है बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस डेटा एनालिटिक्स क्वांटिटी टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग मेरा सब्जेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक एंड फाइनेंस And and etc. ये एक areas थे जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट फोकस करना चाह रहा है आपके जो भी अपकमिंग जो न्यू कोर्स है सिलेबस 2022 उसके लिए तो इन शॉर्ट में बात करूं तो इंस्टीट्यूट का जो मेन फोकस है दोस्तों वो मेन फोकस रहेगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर और सारे जो भी पेपर रहेंगे वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा केस स्टडी बेस्ड का मतलब है कि समवेयर हम लोग जो है वो आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ इंस्टीट्यूट लेके जाना चाह रहा है ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से जो भी सी एम इंस्टीट्यूट से बच्चा जो सी एम पास आउट हुआ है उसको आगे जा करके जॉब में प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो फेस ना करने पड़े इसी के लिए इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि केस स्टडी बेस्ड आपसे पेपर लिए जाएं ताकि आप लोगों को जो भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है उसके जो भी केसेस हैं जो भी सीनेरियोज हैं उन सीनैरियोज के ऊपर आप लोगों को अभी से माइंड डेवलप किया जा सके कि आप लोग उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे उन सब सिचुएशन के ऊपर इंस्टीट्यूट फोकस करना चाह रहा है और यहीं पर इस तरह से इंस्टीट्यूट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंस्टीट्यूट चाह रहा है वो मेन विजन इंस्टीट्यूट का है कि सीएमए को ग्लोबली रिकॉग्नाइज बॉडी ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी कर रहे हैं आपका सीएमए कोर्स बट इसको और भी धीरे धीरे और ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि हमारा सीएमए इंडिया जो कोर्स है उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल सके ये इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही अच्छा एप्रिशिएटेबल एफर्ट्स है जो इंस्टीट्यूट कर रहा है अब बात करते हैं कि फ्यूचर का फोकस क्या रहेगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का पूछना रहता है कि सर आगे चल करके जो एग्जामिनेशन है वो हमारे ऑफलाइन बेस्ड रहेगा क्या हमें लिखने को मिलेगा तो अभी एक रिसेंट मीटिंग के अंदर आपके ही एक ऑफिशियल uh, मेंबर ने ये कंफर्म किया कि दैट आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होंगे उन पर इंस्टीट्यूट का जो फोकस है वो क्लियरली इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि इंस्टीट्यूट ऑफिशियल ने कहा है दैट मीन्स इंस्टीट्यूट नहीं कहा है तो दैट मीन्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफिशियल का कहना था कि आगे चल करके भी जो एग्जामिनेशन रहेंगे वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन सेंटर बेस्ड रहेगा जी हाँ फोकस ध्यान रखेगा सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा अब इसके पीछे रीजन आप लोग कोविड मान रहे होंगे लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये रीजन कोविड है क्योंकि अगर कोविड का रीजन होता तो शायद सेंटर बेस्ड पॉइंट नहीं दिया जाता वो होम बेस्ड दिया जाता और आगे चल कर के भी जो भी एग्जामिनेशन रहेगा और वो आपका सेंटर बेस्ड ही रहने वाला है होम बेस्ड की सिचुएशन केवल और केवल अनयूजअल सिचुएशन आ गई कि भाई आपका कोविड के कोई भी ऐसा इशू आ गया कोविड के कारण से पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं हुई तो उस सिचुएशन के अंदर ही ओनली होम बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा अदरवाइज जो है एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड ही रहने वाला है ये बात तो बात रही आपके न्यू सिलेबस की अब बात करते हैं कि भाई आपका जो ओल्ड सिलेबस है जो कि 2016 चल रहा है आपको पता है इंस्टीट्यूट आपका पास्ट ट्रेंड कहता है कि इंस्टीट्यूट हर चार साल के अंदर एक बार कोर्स चेंज कर रहा है जैसा कि 2008 सिलेबस था फिर 2012 थाउजेंड चार साल बाद 2012 सिलेबस ड्यू हुआ देन 2012 के बाद चार साल बाद 2016 सिलेबस ड्यू हुआ एंड नेक्स्ट ड्यू जो था वो 2020 में ड्यू होना था बट ड्यू टू द कोविड एंड कोविड के सिनेरियो के कारण से वो 2020 का जो सिलेबस है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बिकॉज उस पर जितनी भी प्रक्रियाएं होनी थी जो भी प्रोसेस होना था वो नहीं हो पाया जस्ट ड्यू टू ऑल दीज अनयूजल सिचुएशन जो भी सरकमस्टांसेज हुए उनके कारण से सो अकॉर्डिंगली गाइज अब जो है अब आ रहा है सी सिलेबस टू टू अब बात करते हैं सर सीएमए सिलेबस अगर 2022 लॉन्च होता है तो सर फिर हमारा क्या होगा क्योंकि अभी जो लास्ट अटैम्प्ट के पास आउट का बच्चे हैं उनका कहना है कि सर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट हमारा जो है सीएमए फाइनल की बात कर रहा हूं कि हम लोग जून 2022 में देने वाले हैं जून 2020 दिसंबर 2022 में देने वाले हैं सर हमारा तो पहला अटैम्प्ट दिसंबर 2022 है अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा दिसंबर 22 के अंदर नहीं हो पाया तो फिर क्या हमें फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया करना पड़ेगा न्यू सिलेबस के अंदर जून 2023 में तो मेरा आंसर है नो डोंट वरीगाइ आप लोगों को कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको उस सिलेबस में पास आउट करने के लिए जैसा कि पास्ट में भी होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ पास्ट के अंदर इंस्टीट्यूट का क्या रवैया रहा है पास्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या कितने कितने अटैम्प्ट आपके दिए हैं पास्ट में 2008 सिलेबस भी गया है 2012 सिलेबस भी गया है तो उसमें कितने अटेम्प्ट एक्सेस दिए गए थे ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहला मैंने ये आपको पूरा एक समरी बनाया है जिसके अंदर मैंने यहां पर आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम लिखा है फर्स्ट एग्जाम जो भी सिलेबस है चाहे वो 2008 सिलेबस है 2012 सिलेबस है 2016 सिलेबस और 2022 सिलेबस तो गाइस 2060 2008 सिलेबस का जो पहला एग्जाम था वो लगा था जून 2009 में कब लगा था जून 2009 में और 2012 सिलेबस आया कब दिसंबर 2013 में तो दैट मींस दिसंबर 2013 के अंदर पहली बार एग्जाम लिया गया 2012 सिलेबस का लेकिन 2008 सिलेबस देखिएगा आप इसका लास्ट एग्जाम हुआ जून 2015 तक दैट मींस दिसंबर 2013 के अंदर भी ओल्ड सिलेबस था जून 2014 में भी ओल्ड सिलेबस था दिसंबर 2014 में भी ओल्ड सिलेबस था जून 2015 में भी ओल्ड सिलेबस था इन शॉर्ट चार अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए गए थे दिस 2008 सिलेबस के स्टूडेंट को जी हां चार अटेम्प्ट दिए गए थे कब से लॉन्च होने के बाद से चार अटेम्प्ट ठीक है अगर हम बात करते हैं 2012 सिलेबस और 2016 के सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो दोस्तों 2016 सिलेबस का पहला एग्जाम हुआ जून 2017 में कब हुआ जून 2017 में यहां पर इंस्टीट्यूट ने चार की जगह जो है आपके जून 2017 के अंदर भी 2012 सिलेबस लिया गया और दिसंबर 2017 में भी इंस्टीट्यूट ने दो सिलेबस से ही एग्जाम लिया गया इन शॉर्ट में कहूं इंस्टीट्यूट ने यहां पर और न्यू सिलेबस लॉन्च करने के बाद दो अटेम्प्ट दिए गए ओल्ड सिलेबस को भी पास आउट करने के लिए तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करता हूं यहां पर हमारा जो जून 2023 के अंदर जो लॉन्च होने जा रहा है जून 2023 में जो लॉन्च होने जा रहा है हमारा न्यू सिलेबस तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो अगर मैं लोवेस्ट भी पकड़ लेता हूं कि दो अटेम्प्ट भी बात करता हूं तो अकॉर्डिंगली जून 2023 एंड अकॉर्डिंग दिसंबर टू 23 दिसंबर 2023 आप लोगों का जो ओल्ड सिलेबस है जो आप लोगों का ओल्ड सिलेबस है जून जो आपका सिलेबस 2016 है वो कम से कम आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 तक या मैं यू कह सकता हूं कि मे बी ये दिसंबर 2024 तक और मुझे ऑल दो इसके चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि सिचुएशंस कुछ इसी तरह है और हमारे इंस्टीट्यूट ने अब थोड़े कैरिकुलम में थोड़ा चेंज भी किया है तो मे भी हो सकता है दिसंबर 24 से भी ज्यादा का समय मिल जाए इसके पीछे का मेरा लॉजिक मैं बताता हूं आपको पहले जो सीएमए फाइनल के जो एग्जामिनेशन हुआ करते थे उससे पहले ओनली सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग आप लोगों को करनी होती थी आप लोगों को ओनली सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती थी वहीं अब ये ट्रेनिंग का जो समय है उसको बढ़ा करके फिफ्टीन मंथ्स कर दिया गया है तो दैट मीन्स अगर कोई बच्चा अभी पास आउट किया है लास्ट जून अटैम्प्ट के अंदर अगर पास दिसंबर अटैम्प्ट है कोई बच्चा तो उसका एग्जामिनेशन जो है वो एलिजिबल हो रहा है नेक्स्ट जून के नेक्स्ट दिसंबर 22 के लिए तो दिसंबर 22 के लिए हो रहा है और अगर यह सिचुएशन अराइज होती है तो इसका मतलब तो बच्चे के लिए केवल दो ही अटैम्प मिले हैं ओल्ड सिलेबस में तो मुझे ऐसा लगता है समवेयर आप लोगों के लिए दिसंबर ट्वेंटी फोर यहां कम से कम लोवेस्ट आप लोगों को दिसंबर ट्वेंटी तक का एग्जाम लिखने मिलेगा कम से कम दिसंबर 2024 तक मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ओल्ड कोर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कम से कम अगर मैं बात करूं आज से प्रेजेंट टाइम से अगर मैं बात करता हूं तो ओल्ड सिलेबस के लिए अभी आप लोगों के अक्टूबर ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी जून ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी जून 23 दिसंबर ये तो कम से कम लोवेस्ट आप लोगों के पास छह अटेम्प्ट आज तक हैं अगर कोई बच्चा बाद में भी दे रहा है तो मिनिमम लोवेस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो अटेम्प्ट है ही है हो सकता है डेफिनेटली मुझे जिसकी पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट इसको जून 2024 या दिसंबर 2024 तक लेकर के जाना चाहिए ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं आप लोगों ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप लोग ये ना सोचें कि सर हम अभी रजिस्ट्रेशन करा लें कि ना कराएं बेफिक्र होकर बिल्कुल कराइए डोंट वरी आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं सर ऐसा तो नहीं कि आपका 2016 सिलेबस से अगर हम लोग दिसंबर टू जून 2023 के बाद अगर हम ओल्ड कोर्स से पास आउट होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं सर हमारी वैल्यू में कहीं डाउन हो जाएगा नो डोंट वरी अबाउट दैट इस चीज का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो डोंट वरी आप लोगों को उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और मैं आपको बता दूं दोस्तों आने वाला समय सी का बहुत अच्छा फ्यूचर है यह मैं आपको पूरा अच्छे से बता सकता हूं क्योंकि इंडस्ट्री के काफी सारे लोगों से मैं भी कनेक्टेड हूं जो कि काफी अच्छी पोजिशंस पे लगे हुए हैं तो गाइज आप लोग इस चीज को बिल्कुल बेफिक्र रहे और अगर मेरी किसी भी तरह की मेरे सपोर्ट की आप लोगों को जरूरत हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन नाइन फाइव डबल थ्री एंड डबल टू आप लोग चाहे मेरी क्लास ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये मत सोचिएगा कि सर हमने तो सर से क्लास नहीं ली हम सर से कैसे सपोर्ट मांगे आप बेफिक्र होकर सपोर्ट की मांग सकते हैं मैं आप लोगों के लिए उसी तरह हूं जैसे कि आप लोगों के घर में आपके बड़े भाई हैं आप लोगों के लिए तो डोंट वरी अबाउट दैट आप लोग मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप लोग मुझे इस नंबर पर पिंग कर सकते हैं ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर आप लोग एक काम कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना तो आप लोग अपना नाम आप लोग अपना नाम अपने नाम के साथ आपकी सिटी का नाम और आप सीएमए के कौन से लेवल पर हैं अगर सीएमए इंटर में है तो इस तरह से सीएमए इंटर और अगर आप फाइनल में हैं तो सीएमए फाइनल और फाउंडेशन में है तो आप फाउंडेशन ये लिख करके मुझे शेयर कर दीजिएगा मैं आपको रेस्पेक्टिव जो भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा और गाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना मत भूलिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों का उसका लिंक भी दे दूंगा उसके नाम की डिटेल आप लोगों के नीचे लाइन में चल रही है आप लोग कर सकते हैं कॉन्टैक्ट ओके गाइज सो एंड अगर आप लोग चाहें तो ऑल एक्सक्लूसिव क्लासेस का मैंने आपको बताई दिया कि हम लोग सभी एक्सक्लूसिव क्लासेस आप लोगों के लिए साथ प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी तरह का अकेडमिकली नॉन अकेडमिकली अगर आपको लगता है कि दैट आस्तुष लाटा कैन हेल्प इन एनी मैनर टू यू देन मोस्ट वेलकम ओके एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा डोंट वरी एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा आस्तो स्लाटा वॉज विद यू आस्तो स्लाटा इज विद यू एंड तो लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू पीपल एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक्सक्लूसिव सीएमए की बातें करेंगे हम लोग एंड कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड मिलते हैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं थैंक यू सो मच पीपल बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का एंड पढ़ते रहिएगा क्योंकि ध्यान रखिएगा हर एक चीज हर एक समय का एक समय होता है और उस समय को अगर आप भुना लेंगे तो लाइफ आपकी है और आपके पूरा परिवार आप लोगों के ऊपर प्राउड करेगा ओके पीपल थैंक्स अलॉट बाय एंड मिलते रहिएगा थैंक यू सो मच पसंद आए वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा ओके बाय बाय